नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसके बारे में। बाकी मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं 2-3 दिन अवेलेबल नहीं था, तो मैं 2-3 दिन बाहर गया हुआ था, दिल्ली नोएडा। तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स वगैरह को ट्रेनिंग थी मेरी जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जहां पर नोएडा में मैंने 2 बैच लगाए, जिसमें फर्स्ट बैच में नियर अबाउट 25 लोग थे, जिनकी ओनली सिर्फ थोड़ी एक छोटी सी मिनिमम एंट्री फीस थी, बाकी मेरी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और सेकंड सेशन जो है मैंने वो लगाया था वो सेक्टर 3 में, तो वो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक थी, वो भी जो है मेरी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो इसलिए मैं 2-3 दिन जो है वीडियो शूट नहीं कर सका, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो आज हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक ने देखिए आज जो है रेजिस्टेंस लेवल हमारा तोड़ दिया है। जो रेजिस्टेंस हमारा 30,800 के लेवल पर था, वो 30,800 का लेवल आज टूटा है। और जो है कल की डेट में ये जो हमारा है 8 नवंबर के जो कैंडल है, 8 नवंबर को इसने वैसे एक शूटिंग स्टार बनाया था, तो उस वो वीडियो शायद हाँ वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया था, तो इसके लिए सॉरी। तो आज जो है ये देखिए बैंक निफ्टी ने जो है बहुत अच्छी कैंडल बनाई है, जिसको हम बुलिश एंगल्फिंग कह सकते हैं, जो इसने पिछली कैंडल को नियर अबाउट अपने अंदर समेटे लिया है। नियर अबाउट वैसे पूरा नहीं, मतलब पूरा अपने अंदर ले लिया है, काफी अच्छी कैंडल एक बनाई है, और जिसको हम आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट जिसको कहा जाता है वो ब्रेकआउट आज हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं ये देखिए पूरी फुल बुलिश कैंडल जो आने वाले टाइम में हमको बहुत अच्छा संकेत दे रही है। जो आज की जो क्लोजिंग जो इसने आज का हाई लगाया है वो हाई लगाया है 31,205 का, और क्लोजिंग भी नजदीक ही हुई है, कोई ज्यादा दूर नहीं हुई, 31,115 पर क्लोजिंग हो गई है। तो आने वाले टाइम में जो है बैंक निफ्टी अब काफी अच्छे लेवल आपको दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में हमारा अगला टारगेट है, जो अगला टारगेट मार रहेगा वो निकल के आएगा 31,350 का, और उसके बाद उससे अगला टारगेट रहेगा हमारा 31,500 और 600 के बीच में। तो बैंक निफ्टी में पैसे कमाने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं, लेवल वगैरह हमेशा याद रखें और अच्छे से ट्रेडिंग करें, उसके लिए आपको वेल विशेस। तो आइए हम अब देखते हैं हमारे जो स्टॉक्स बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं, और मैं आपको आगे के लेवल बता देता हूं, उन लेवल पर आप सोच समझ कर और खुद अपनी भी एनालिसिस जरूर करें ट्रेड लेते वक्त। वैसे मैं आपको ये लेवल जो है काफी अच्छे लेवल बताऊंगा। तो ये देखिए जो हमारा एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक ने जो है 8 नवंबर को यहां पर जो सपोर्ट लेवल था 720 पर, वहां पर सपोर्ट लिया, और आज मैं वीडियो शूट करने वाला था उसमें भी मैं आपको यही बताता कि अगर ये 720 का लेवल तोड़ता है फिर आपको 704 के लेवल दिखा सकता है, और सपोर्ट लेने के लिए इसकी यही जगह बहुत अच्छी थी। तो सो आज इसने यहां पर आज सपोर्ट लिया है। तो अगर कल की डेट में अगर एनुअल ट्रेडिंग सेशन में अगर ये हाई तोड़ता है 735 रुपए का, तो 735 रुपए केस में ट्रेड बनता है, 735 रुपए के ऊपर जैसे ये निकलता है वैसे आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ये आज का लो तोड़ता है, आज का जो इसने लो लगाया है 721.20 रुपए का, तो अगर 720 रुपए का लो अगर ये तोड़ता है तो इसमें आप 705 रुपए के लिए अपना ट्रेड बना सकते हैं। इसमें हमारा व्यू न्यूट्रल है, इसमें हमारा कोई ऐसा नहीं है कि आप ऊपर या नीचे ही देखना है, इसमें आप जिस तरफ कैंडल ब्रेक करता है उस तरफ इसमें ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए जो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, ये देखिए नीचे से आप देख सकते हैं जहां पर मैंने ये माउस रखा हुआ है, ये देखिए ये जो मैंने नीचे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, आज देखिए इसने जो है यहीं पर सपोर्ट लिया है, और ये देखिए इसका एक वैसे ये लेवल भी निकल कर आ रहा है 93 रुपए का, यहां पर भी किसका सपोर्ट बनता है। तो यहां पर इसने आज सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ये इसने हाई तो लगाया 98.85 का, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग इसने 2 रुपए आकर नीचे दे दी है। तो इसमें जो है आप ट्रेड ना बनाए तो अच्छा है, बैंक ऑफ बड़ौदा अवॉइड करें। नेक्स्ट है हमारा फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक भी सेम कंडीशन में ही चल रहा है। तो ये देखिए मैं आपको यहां पर सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये देखिए पीछे यहां पर ये सपोर्ट लिया था, जहां पर ये देखिए मेरा माउस का कर्सर यहां पर चल रहा है, और सेकंड ये देखिए सपोर्ट यहां पर लिया हुआ है और यहां पर सपोर्ट लिया हुआ है आज यहां पर। तो मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूं, जिससे आप लोगों को लेवल ड्रॉ करने में भी आसानी होगी और लेवल ड्रॉ करना आपको आ जाएगा। तो ये देखिए यहां पर इसने जो है सपोर्ट कंटिन्यू यहां पर सपोर्ट ले रहा है, फिर यहां सपोर्ट ले रहा है, फिर इसने हल्का सा लेवल इसको ब्रेक किया था, फिर ऊपर गया, फिर आज यहीं पर सपोर्ट ले रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनता है, इसमें आप ट्रेडिंग ना ही करें तो ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक जैसा मैंने आपको बताया था कि 1250 का लेवल क्रॉस करता है तो ये आपको एक नए हाई दिखा सकता है। तो 1250 का लेवल क्रॉस करने के बाद भी ये देखिए 2-3 दिन से कंटिन्यू इसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है, ना तो काफी ऊपर जा रहा है और ना ही काफी नीचे आ रहा है। तो अब हमारे लिए जो हमारा ट्रेड बनता है वो हमारा ट्रेड बनता है 1270 रुपए के ऊपर। 1270 रुपए के ऊपर जैसे ही एचडीएफसी बैंक ट्रेड करता है इसमें ट्रेड बनाया जा सकता है, और 1270 और 1250 के नीचे इसमें सेल साइड के लिए इंट्राडे के लिए लिया जा सकता है। सेकंड मैं जो आपको बताता हूं कि आप इसमें आधा परसेंट और 1% पर अपना जो है प्रॉफिट बुक करते रहें। जैसे ही आपका प्रॉफिट आधा परसेंट आ गया तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपना कॉस्ट टू कॉस्ट रख लीजिए। उसके बाद फिर जो है स्टॉक में बने रहिए, स्टॉक जहां तक जाता है उसका पूरा प्रॉफिट लीजिए। कैंडल पर जैसे ही मान लीजिए ये कैंडल है तो इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए, अगली कैंडल ये गई इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, इस तरह से कैंडल बाय कैंडल अपना स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल करते जाएं। नेक्स्ट हमारा है आईसीआईसीआई बैंक। ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक मैं आपको बता रहा हूं 460 के लेवल से बता रहा हूं कि ये 460 पर जब सपोर्ट ले रहा था तो जब इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई थी जहां पर मेरा एक कर्सर है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है, इसका हाई ब्रेक करता है तो आपको एक एक लाइफ टाइम हाई नवी दिखा सकता है। तो देखिए उसके बाद जो है इसने देखिए काफी अच्छी मूवमेंट दे दी है। इसके ऊपर 472 रुपए के ऊपर देखिए ये नियर अबाउट 500 का लेवल टच कर चुका है, 499 का लेवल ये टच करके आ चुका है। तो अब इसमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, जो भी इसमें आप पोजीशन बने हुए हैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद नवा ट्रेड आप 500 रुपए के ऊपर इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आईडीएफसी बैंक। तो आईडीएफसी बैंक देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी, ये देखिए ये जो रेड कलर में आई है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये देखिए ये जो है ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ कर दिखाई थी, सेकंड यहां पर जो है एक सपोर्ट ले रहा था। तो इस तरह के जो हमको डबल कंफर्मेशन मिल जाती है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, दूसरा जो होता है हॉरिजेंटल लाइन का सपोर्ट, जब इस तरह की हमको दो सपोर्ट इकट्ठे मिल जाते हैं, डबल कंफर्मेशन मिल जाती है, तो वहां पर हमको ट्रेड लेना थोड़ा आसान हो जाता है, वहां पे हमारा थोड़ा रिस्क कम हो जाता है और जो है हम ट्रेड जो है बेखौफ होकर ले सकते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी ये देखिए अब जो है अब इसी सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पर अभी ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये देखिए अब मेरे हिसाब से आप जो है इसमें ट्रेड बनाएं 43 रुपए 10 पैसे के ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट में 43 रुपए 10 पैसे के ऊपर ही इसमें ट्रेड बनाएं। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है 42 रुपए का, तो 42 रुपए का अगर लेवल लेवल ब्रेक करता है तो आपको ये 40 रुपए और 30 पैसे के लेवल बहुत जल्द दिखा सकता है। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो ये देखिए इंडसइंड बैंक जैसे मैंने आपको, ये देखिए आपको शायद याद होगा पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैंने आपको इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक के बारे में थोड़ा कहा था कि ये ट्रेड जो है काफी अच्छे होंगे। तो ये देखिए ये जो मैंने नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, मैं आपको इसको थोड़ा डार्क करके दिखा देता हूं। ये जो मैंने नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, तो ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ये देखिए यहां पर ये सपोर्ट ले रहा था, जिस टाइम मैंने लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी तो यहां पर सपोर्ट ले रहा था। और मैंने आपको यहां पर क्लियर कट बता दिया था कि जैसे ही ये 1360 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा ये आपको एक बहुत अच्छा लेवल दिखा सकता है। तो ये देखिए 1360 का लेवल ब्रेक करने के बाद इसने हाई लगाया 1397 रुपए, उसके बाद 8 नवंबर को हाई लगाया इसने 1453 रुपए, और आज जो है इसने हाई लगाया है नियर अबाउट सेम 1454 रुपए का। तो अभी भी इसमें जो है हमारा जो है नेक्स्ट जो है मैं ट्रेडिंग प्लान है वो 1457 रुपए के ऊपर जैसे ये ट्रेड करना चालू करता है। तो आप ये जो ऊपर एक ट्रेंड लाइन यहां पर आ रही है, ये देखिए मैं आपको थोड़ा चार्ट छोटा करके दिखाता हूं, ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका रेजिस्टेंस नेक्स्ट यहीं पर होगा नियर अबाउट 1500 रुपए पर। तो आप कल के ट्रेडिंग सेशन में जैसे ये 1457 1460 का लेवल जैसे क्रॉस करता है तो आप इसमें जो है 1500 रुपए के लिए आप इसमें ट्रेड में बने रह सकते हैं। कोटेक बैंक भी काफी आज इसने मूवमेंट दी है। तो ये देखिए कोटेक बैंक, तो मैंने जो जो आपको बताया था जो जो सपोर्ट से जो जो है आगे के लेवल अच्छे लेवल आ सकते हैं, सो सारे जो है स्टॉक्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये देखिए ये जो सपोर्ट लिया था मैंने आपको यहां पर बताया था कि सपोर्ट लेने के बाद इसको सपोर्ट लेने की बहुत अच्छी जगह है, अगर इसको यहां से उठना है तो सबसे अच्छी जगह है, नहीं तो अगर इसको ब्रेक करना है तो ये लेवल यहां पर ब्रेक कर देगा। तो ये देखिए सपोर्ट लेकर जो है ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये देखिए यहां पर हमारा आज जो है एक रेजिस्टेंस था 1604 रुपए पर, तो आज इसने 1604 रुपए का रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में, सॉरी कल तो गुरु पर्व की छुट्टी है जो हमारे पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है,
और जो है कल की छुट्टी है, तो परसों के ट्रेडिंग सेशन में आप इसमें जो है ट्रेड ले सकते हैं अपना बाय साइड की तरफ। और इसमें हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, इसमें 1640 रुपए का हमारा टारगेट रहेगा। तो इसमें जो है पैसे बनाए जा सकते हैं कोटक बैंक में। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक भी जो है ये देखिए यहां पर एक सपोर्ट ले रहा है छोटा सा, बट इसको आप अवॉइड करिए तो ही ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आरबीएल बैंक। ये देखिए आरबीएल बैंक, ये देखिए मैंने आपको यहां पर जैसे बताया था कि ये देखिए मैंने इसके आपको एक इसमें डाइवर्जेंस के बारे में बताया था। सॉरी मैं यहां पर जो है ना इसको भी थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये कहां गया, ये रहा, ये देखिए, ये देखिए आप यहां पर गौर करिए, ये जो मैंने एक यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, सॉरी मैं इसको भी जरा गाढ़ा कर देता हूं। ये देखिए स्टॉक जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, आप ये देख रहे हैं स्टॉक जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। बट जो यहां पर ये देखिए हमारा जो आरएसआई है, आरएसआई नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो है एक बुलिश का जो है साइन होता है कि स्टॉक नीचे की तरफ आए, बट आरएसआई जो है आपको ऊपर की तरफ जो है दिशा दिखाए कि ये जो है स्टॉक ऊपर जाने वाला है। सो मैं इसमें जो है जब ये स्टॉक अपना नियर अबाउट कितने पर ट्रेड कर रहा था, जब मैंने आपको वीडियो बनाना चालू की थी, नियर अबाउट 300 के लेवल पे आप था। तो मैं आपको कंटिन्यू कह रहा हूं कि आप इस स्टॉक में बने रहिए। और मैंने आपको लेवल बताया था 324 और 325 का, मैंने आपको बताया था 324 और 325 का लेवल जैसे ही क्रॉस करता है आप तुरंत इसमें ट्रेड ले सकते हैं, चाहे इंट्राडे भी ले सकते हैं चाहे पोजिशनल ले सकते हैं। इसमें मैंने जो है टारगेट दिया हुआ है 400 रुपये का, पोजिशनल वालों के लिए 400 रुपये का टारगेट है, और जो है इंट्राडे वालों के लिए आपको पता ही है आधे परसेंट पे अपना, जैसे आधा परसेंट पहुंचता है वहां पर अपना आप जो है प्रॉफिट जो है अपना जो एसएल है जो आपका स्टॉप लॉस है वो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए और स्टॉक में बने रहिए। तो ये देखिए आरबीएल बैंक ने भी जो है काफी अच्छा आज मूवमेंट दिया है, नियर अबाउट ये देखिए 319 और 346, नियर 27 रुपए का मूवमेंट, देखिए 27 रुपए का 8%, 8 से 9% की मूवमेंट दी है आरबीएल बैंक ने आज। और ये आने वाले टाइम में भी, आने वाले 2-4 दिनों में भी काफी अच्छी मूवमेंट देने वाला है। तो इस स्टॉक पर नजर बना के रखें, ये स्टॉक जो है आपको अच्छे पैसे बनाकर दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये देखिए इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया था 313 और 315 के बीच में जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा था, तो मैंने आपको बताया था जैसे इस कैंडल इसके ऊपर जब क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग देने के बाद जो है नेक्स्ट कैंडल जब उसको क्लोज करे तो आप उसमें जो है ट्रेड ले सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ये इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, नेक्स्ट किसी भी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। वैसे मैं आपको बता देता हूं जैसे ये 323 रुपए का लेवल क्रॉस करता है, 323 रुपए का ध्यान रखिएगा लेवल, मैं जो भी बता रहा हूं 323 रुपए का लेवल जैसे ही क्रॉस करता है तो आप इंट्राडे में जो है 333 रुपए के लिए आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं नियर अबाउट 10 रुपए के लिए। और जो है आप पोजिशनल में तो आप ठीक है 323 रुपए के ऊपर आप पोजिशन में भी ले सकते हैं, और पोजिशनल का मेरा जो टारगेट है वो है 347 रुपीज का, और 350 345 से 350 के बीच में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा दैट इज यस बैंक। तो यस बैंक ने भी देखिए आज जो है मूवमेंट ठीक ठाक ही दी है, बट मैंने जो आपको बताया हुआ पोजिशनल वाले दोस्तों को कि जो पोजिशनल में है इसका मैंने 79 रुपीज के ऊपर आपको मैंने बताया हुआ है, इसमें अगर एंट्री लेनी है तो 79 रुपीज के ऊपर जैसे ये सस्टेन होता है या 79 रुपीज के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग करती है तो उसके बाद आप इसमें ट्रेड लीजिए। ऐसे बीच में ट्रेड लेके फंसने का कोई फायदा नहीं है, आप ट्रेड ले लेंगे फिर जो है वो 10 रुपये ऊपर गया 15 रुपये नीचे आया तो आप उसी में उलझे रहेंगे कि मैं इसमें प्रॉफिट बुक करूं या लॉस लेके निकल जाऊं, कहीं मेरे को ज्यादा लॉस ना हो जाए इसमें। तो इसलिए जो है आप लेवल पर ट्रेड करिए, लेवल पर ट्रेड करने पर आप इसमें कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। तो इसलिए हमेशा लेवल को याद रखिए और प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करिए, किसी भी ऐरे गैरे इधर उधर की स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती है, आपका हार्डवर्क और आपका सेल्फ लर्निंग बहुत कुछ बहुत मायने रखता है। तो इसलिए मेरी बातों को ध्यान रखिए। और नेक्स्ट जो है अब मैं आगे से जो है वीडियो बनाया करूंगा जिसमें मैं 3 से 4 स्टॉक्स उठाया करूंगा, 3-4 स्टॉक्स की मैं आपको अच्छे से एनालिसिस करके बताया करूंगा, उसमें सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसमें जो है फिबोनाची लेवल वगैरह कैसे लगाया जाता है।
तो मैं आपको इस तरह से, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग लगाने की जरूरत नहीं है। 20 हजार, 50 हजार, लाख लाख रुपए देकर आप लोग ट्रेनिंग में भी मतलब कि फालतू के पैसे खर्च कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ यहां पर अपने वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं, A to Z चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए मैं अभी भी जो है नोएडा जाके आया हूँ, मेरा एक प्रोग्राम मेरा दिल्ली में भी था, बट वो कुछ रीजन की वजह से मैं दिल्ली प्रोग्राम नहीं कर सका। तो एक मेरे दोस्त हैं हमारे बहुत खास, हम मुकेश जी नाम है जिनका, मुकेश धवन जी हैं, तो उनके पास भी जाके मेरे को स्टे करना था, उनको भी कुछ स्टडी मटेरियल कुछ प्रोवाइड करनी थी, कुछ बताना था, तो वो भी जो है मेरे कुछ प्रॉब्लम के चलते मैं नहीं जा पाया। बाकी मैंने नोएडा में 2 सेशन लगाए, 25 लोगों का एक बैच था, सेकंड जो था वो मेरे ख्याल से 18-20 लोगों का बैच था। तो मैं उन लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ट्रेनिंग देकर आया हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि मैं महीने में एक या दो ऐसे सेशन में लगा दिया करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट की, जो है कोई पैसा नहीं लूंगा, सिर्फ एक एंट्री फीस होगी बहुत मिनिमम सी, 2-4-500 रुपये, कोई वो ज्यादा नहीं होगी। तो मेरा ऐसा है कि मतलब मैं आप लोगों के पैसे बचाना चाहता हूँ, जो आप ट्रेनिंग में जाकर जो है 20 हजार, 50 हजार, लाख रुपए देते हैं, उसके बाद फिर वहां पर आपको ऐसा लगता है कि ओहो मेरे को तो चमत्कार हो गया, मैंने पता नहीं क्या यहां से ले लिया, अब तो मैं कभी लॉस ही नहीं करूंगा। उसके बाद जब आप या घर पर आते हैं, अपना लैपटॉप खोलते हैं, अपना PC खोलते हैं, उसके जब वो स्ट्रेटजी वो लगाते हैं, 50 हजार रुपये, 1 लाख रुपये जब स्ट्रेटजी उसमें लगाते हैं, और एंड ऑफ डे क्या होता है, ओह मैं तो 10 हजार लॉस में चला गया, ओ मैं तो 20 हजार लॉस में चले गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है जी। देखो आप जितना सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लर्न करोगे, उतना ही आप इस मार्केट में कामयाब होंगे, ठीक है ना। किसी कुछ नहीं होता है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, हर स्ट्रेटेजी का एक अपना एक फंडा होता है, वो स्ट्रेटेजी फॉलो करने का भी एक माइंड सेट होता है, ठीक है ना। तो आप जो है बेफिजूल के अपने पैसे मत खर्च करिए, मैं आपको यहां पर सब कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई हैं, कई मेरे ऐसे दोस्त होंगे जिनको जिन्होंने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल यहां स्टॉक मार्केट में लगा लिए होंगे, लेकिन उनको अभी तक अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना नहीं आता होगा, उनको अच्छे से लेवल निकालना नहीं आता होगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसे भाइयों के, ऐसे दोस्तों की इस अपने चैनल पर बहुत मदद करने वाला हूं, ठीक है ना। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको फुल गाइड करूंगा, सब कुछ यहां पर बताऊंगा। तो सो जो है आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए। तो बाकी जो भी मेरे दोस्त यहां पर नए हैं, जो भी आज मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद ना भी आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर।